चिकन 65 एक ऐसी डिश जिसके पीछे 65 कहानियां भी हैं कि भाई इसका नाम चिकन 65 कैसे पड़ा। ये कहानी तो आपने बहुत लोगों से सुनी होगी, तो कहानी तो नहीं लेकिन इसकी सबसे सही रेसिपी कौन सी है ये जरूर आपको सिखाने जा रही हूँ। चिकन 65 रेस्टोरेंट्स का एक बहुत ही पॉपुलर स्टार्टर है जो अपने तीखे चटपटे टेस्ट के लिए बहुत पसंद किया जाता है और आज ये बनने जा रहा है आपकी किचन में। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो चिकन 65 आप चाहें तो विद बोन चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बनाने जा रही हूं इसे बोनलेस चिकन के साथ और इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूं चिकन ब्रेस्ट का। तो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूं ये दो बड़े बड़े चिकन ब्रेस्ट का, जिनको मैं बाइट साइज पीसेस में कट कर लूंगी। तो अबाउट 1 इंच to 1.5 इंच के पीसेस आप इसके कट कर लीजिए। तो चिकन डन। अब पहला काम हम ये करेंगे कि इस चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे और उसके लिए चिकन को लेते हैं एक बड़े से बोल में। तो मैरिनेट बनाने के लिए मुझे चाहिए होगी 1/2 कप दही। इसमें ऐड करूंगी मैं 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ लवली कलर। इसी के साथ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी भी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। अब इन सब को आप अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए। अगर आप एकदम बाजार जैसा लुक चाहते हैं ना, तो आप इसमें थोड़ा सा ऑरेंज रेड तंदूरी कलर जो आता है ना वो भी ऐड कर सकते, नहीं तो केवल कश्मीरी मिर्च से ही काफी अच्छा कलर आ जाता है। और अब जानते हैं क्या करेंगे, ये चिकन के पीसेस को इस मैरिनेट में ऐड करेंगे और इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, लेकिन उससे पहले इसे अच्छे से कोट कर दीजिए। आई एम ऑल्सो गोइंग टू ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट टू दिस। और इसी के साथ मैं ऐड करूंगी इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी। अब इसे कीजिए अच्छे से मिक्स एंड लेट्स सेट दिस असाइड फॉर अबाउट 1 आवर टू मैरिनेट। पिछले 1 घंटे से मेरा चिकन मैरिनेट हो चुका है और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ कढ़ाई में थोड़ा तेल भी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो इस मैरिनेट को चिकन पे बाइंड करने के लिए और इसे एक बहुत ही अच्छा सा क्रिस्प टेक्सचर देने में मदद करेंगे। पहले तो हम ऐड करेंगे इसमें चावल का आटा, तो जैसे मैंने आपसे कहा इसे एक अच्छी सी क्रिस्पनेस देगा। तो आप चाहें तो ये समझ लीजिए कि ये हो गई आपकी टिप नंबर 1। मैदे की जगह इस्तेमाल कीजिए चावल का आटा फॉर दैट एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस इन योर चिकन 65। अलोंग विद दिस मैं ऐड करूंगी इसमें कॉर्नफ्लावर और इसी के साथ साथ एक अंडा भी। जस्ट गिव दिस अ गुड मिक्स। अब ये चावल का आटा, अंडा, कॉर्नफ्लावर इंश्योर करेगा कि ना केवल आपके चिकन 65 के पीसेस काफी क्रिस्प बने बट ऑल्सो कि ये मैरिनेट इस पे अच्छे से स्टिक कर जाए और ये छूटे नहीं। एंड नाउ टिप नंबर 2, फ्राई करने के लिए ऑयल कैसा होना चाहिए। ऑयल होना चाहिए मीडियम हॉट, ना बहुत ज्यादा गर्म ना ही ठंडा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गर्म होगा तो मैरिनेट बाहर से जल जाएगा और चिकन अंदर तक पकेगा नहीं। और हाँ, अगर ठंडा हुआ तो पहली बात तो चिकन क्रिस्प भी नहीं होगा और आप नोटिस करेंगे कि चिकन कितना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। सो टू चेक कि आपका तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल से स्टेप, आप इसमें कोई स्क्यूअर डाल के देखिए, अगर उस पर इमीडिएट बबलिंग आती है देन इट इज रेडी। तो देखिए जैसे अभी इसमें बबलिंग नहीं हो रही तो ऑयल अभी रेडी नहीं है। आई विल हैव टू हीट इट अप अ लिटिल मोर। अब डाल के देखा जाए, ये देखिए इसके आसपास आप नोटिस करेंगे बबलिंग उठनी शुरू हो गई है। इसका मतलब हुआ कि अब हमारा तेल एकदम रेडी है फॉर फ्राइंग द चिकन पीसेस। सो लेट्स गेट द चिकन पीसेस इनसाइड। एक एक करके इन पीसेस को डालेंगे, इकट्ठा ढेर सारा नहीं आप ऐड करेंगे, बैचेस में फ्राई करेंगे। नहीं तो जानते क्या होगा, अगर आपने इकट्ठा ढेर सारा चिकन इसमें ऐड कर दिया तो तेल का तापमान गिर जाएगा और फिर वही प्रॉब्लम, चिकन आपका क्रिस्प नहीं उतरेगा। सो 1 by 1 वी विल ड्रॉप दीज इन हॉट ऑयल। इसे निकालने के लिए एक प्लेट पे हम पहले टिश्यू पेपर लगा लेते हैं टू अब्सॉर्ब ऑल द एक्स्ट्रा ऑयल। एंड नाउ माय स्पाइडर वेब, इसे टर्न कर दीजिए
एक बार फ्लिप कर दीजिए ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए और गोल्डन हो जाए। वंस कुक्ड, रिमूव दीज पीसेस। अब इस तेल को दोबारा से अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और तब ऐड करेंगे इसमें अपना सेकेंड बैच ऑफ चिकन पीसेस। अभी तेल ठंडा है ना, चिकन पीसेस क्रिस्प नहीं होंगे, सॉगी रह जाएंगे। द ऑयल इज नाउ हॉट एंड द चिकन पीसेस आर रेडी टू गो इन। अब इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन हो जाएं। ये जो मैरिनेट बचा है इसे फेंकिएगा नहीं, बिकॉज दिस इज नाउ गोइंग टू बी यूज्ड एज अ सॉस टू टॉस आवर चिकन। तो जब तक मेरे चिकन के पीसेस फ्राई होते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो आपके साथ इतनी बेहतरीन सी रेसिपीज शेयर कर पाऊंगी। और हाँ, याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि चिकन 65 का टेस्ट आपको कितना भाया और आपने घर में इसे बनाया कि नहीं। बहुत सारी कहानियाँ हैं चिकन 65 को लेके। एक तो कहती है कि इसका जन्म हुआ 1965 में, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया 65। दूसरी ये कहती है कि चिकन को बनाने में लगते हैं 65 मसाले, इसीलिए इसका नाम हो गया चिकन 65। तीसरी कहती है कि चेन्नई के किसी होटल यानी कि रेस्टोरेंट में मेन्यू पर थी ये डिश नंबर 65। अब ब्रिटिश सोल्जर्स जो उस रेस्टोरेंट में आते तो वो नाम तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन हाँ उनको ये स्पाइसी सी डिश बहुत अच्छी लगती थी तो वो सीधे ऑर्डर करते चिकन नंबर 65 और बस ऐसे ही इसका नाम चिकन 65 पड़ गया। मुझे ये कहानी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसी के साथ एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो जाती है कि ये डिश हैदराबादी है या चेन्नई की, क्योंकि हैदराबाद तो क्लेम करता है कि चिकन 65 इज अ हैदराबादी डिश। खैर जहाँ की भी हो, हैदराबाद या चेन्नई, हमें तो मतलब है इसके स्वाद से। तो चिकन पीसेस ऑल्सो डन, टाइम टू गेट देम आउट। चिकन को फाइनली फिनिश करने के लिए हमें टॉस करना पड़ेगा इसे जिंजर, गार्लिक, चिलीज, करी लीव्स के साथ, लेकिन उससे पहले इस सॉस को हमें डाइल्यूट कर लेना होगा। आई एम गोइंग टू ऐड जस्ट अबाउट 2 tablespoons ऑफ वाटर टू दिस। केवल 2 tablespoons पानी की ज़रूरत होगी और अब इसे पानी के साथ आप मिक्स कर लीजिए। तो ये तो हो गई सॉस रेडी। अब पैन में लेते हैं 2 tablespoons ऑयल। ऑयल को हो जाने देंगे अच्छे से गरम और तब ऐड करेंगे इसमें 2 tablespoons फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक और इसी के साथ ऐड करूंगी 2 tablespoons फाइन चॉप की हुई जिंजर भी, 4 to 5 हरी मिर्च जिन्हें मैंने स्लिट कर लिया है, 1 sprig करी लीव्स का भी। गिव दिस ऑल अ गुड मिक्स और इसे कुक कर लेंगे तब तक जब तक गार्लिक और जिंजर अच्छे से फ्रेग्रेंट नहीं हो जाता और गार्लिक एक बढ़िया सा गोल्डन कलर नहीं ले लेता। बढ़िया खुशबू आ गई, दैट मीन्स वी आर रेडी टू मूव ऑन। एंड फॉर दैट मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 teaspoon कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। गिव दिस अ गुड मिक्स। अब ऐड करते हैं इसमें अपने चिकन के पीसेस, गिव दीज अ गुड टॉस। और अब ये जो बचा हुआ मैरिनेड है जिसको हमने थोड़ा सॉसी कंसिस्टेंसी में कर लिया है, ये इसके ऊपर हम पोर कर देते हैं। नाउ गिव दिस अ गुड मिक्स अगेन। आप नोटिस करेंगे क्योंकि हमारे बैटर में हमारा जो मैरिनेड था उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा भी था, इसकी हेल्प से ये जो दही है ना इन चिकन के पीसेस को वापस से अच्छे से कोट कर लेगा एंड यू विल हैव अ नाइस फ्रेग्रेंट चिकन 65 रेडी विद यू। अब बताइए इसमें कोई 65 मसाले गए? नहीं गए ना, कितनी आसानी से बन गया। एक मैरिनेशन चाहिए जिसमें चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे और बस निकाल के टॉस कर लेंगे। हो गया रेडी चिकन 65, इससे आसान क्या होगा और डिलीशियस भी। लुक एट दैट ब्यूटिफुल कलर और बहुत ही बढ़िया इसका अरोमा भी है। This done, time to get it out on a plate. तो प्लेटिंग के लिए मैंने तो निकाल लिया है कास्ट आयरन का एक पैन। आप चाहें तो किसी भी बढ़िया सी प्लेट में इसे सर्व कीजिए। एक अच्छी सी प्लेट में सर्व करने से, उसे खूबसूरती से सर्व करने से जानते क्या होता है, भूख और बढ़ जाती है। आंखों को जो चीज़ भाती है वो दिल को भी बिल्कुल भा जाती है। इसलिए तो सोचिए ना, रेस्टोरेंट्स में खाना कितने खूबसूरती से प्रेजेंट करके दिया जाता है।
आप भी वही करिए, घर में खाने को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके पेश कीजिए और तब देखिए सबको कितना पसंद आता है। यही तो फर्क होता है रेस्टोरेंट के खाने में और घर के खाने में। तो हम तो क्रिएट कर रहे हैं रेस्टोरेंट जैसा फूड, तो इसकी प्लेटिंग भी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो एक कास्ट आयरन का पैन जिसमें मैंने रख लिया है यहाँ नींबू और इसी के साथ साथ दो तीन हरी मिर्च भी, इसी के साथ कुछ हरी चटनी वो भी एक बोल में साइड में रख लूँगी। लेकिन उससे पहले इन सब चीज़ों को मैं निकालती हूँ बाहर और पहले डाल देती हूँ इनमें अपना चिकन 65। सो दिस स्पून गोज आउट एंड आई विल यूज अनदर स्पून। ऑन वन साइड कम्स द चिकन 65 और इसी के साथ ऑन वन साइड आई विल हैव माई चटनी, कुछ फ्राइड करी लीव्स इसे गार्निश करने के लिए, इसी के साथ कुछ मगज भी जो एक कलर बर्स्ट और उसी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा सा नटी सा फ्लेवर लैंड करेगा, सम लेमन वेजेस, ग्रीन चिलीज और इसी के साथ साथ अनियन रिंग्स भी टू कंप्लीट अ रेस्टोरेंट स्टाइल डिश। हो गया ना रेस्टोरेंट का रेस्टोरेंट और घर का घर दोनों साथ ही साथ। तो लीजिए हो गया तैयार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन 65 घर पर। कहानियां छोड़िए असली स्वाद का मजा लीजिए।